नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नाखूनों के बारे में, क्योंकि नाखूनों को हम बहुत ही प्यार से सजाते हैं, सुंदरता को बढ़ाता है और उसमें कई तरीके की बीमारी भी हो सकती है। किस किस तरीके की बीमारी होती है नाखूनों में, और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋचा ठाकुर। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। नाखून, जिसे हम बहुत ही प्यार से डेकोरेट भी करते हैं, नेल आर्ट करते हैं, ख्याल भी रखते हैं, सुंदरता को भी बढ़ाता है, तो ऐसे में नाखूनों की अगर बात कर लिए कि फेस की बीमारियां तो हम देखते ही हैं, नाखूनों में किस किस तरीके की बीमारी हो सकती है? नेल्स में सबसे कॉमनली जो जनरली हम पेशेंट्स देखते हैं, उसमें फंगल इन्फेक्शन सबसे कॉमन है। ये ज़्यादातर हाउसवाइफ्स में देखा जाता है, क्योंकि अगर पानी आपके कांटेक्ट में, आपके फिंगर और नेल्स के कांटेक्ट में लंबे टाइम छूट जाता है, तो उसमें फंगस आने के चांसेस होते हैं, और नेल का फंगस काफ़ी लंबा टाइम लगता है पूरी तरह ठीक होने में। तो जब कभी भी आप नाखून और पानी का कुछ भी काम करें, तो तुरंत अपने हाथों को ड्राई कर लेना है, तभी आप इस इन्फेक्शन से पूरी तरह बच सकते हैं। देखा जाए कि बहुत बार देखा जाता है कि नाखूनों में किसी तरीके के सफ़ेद दाग भी देखने को मिलते हैं, वो क्या होता है? नाखून में जो सफ़ेद दाग होता है, वो बहुत बार अंडरलाइंग बीमारियों को दर्शाता है। ज़्यादातर पेशेंट एक से दो अगर वाइट पैचेस है तो वो नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा किसी भी मरीज को दिखता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, हो सकता है कि आपको अंडरलाइन कोई भी लिवर की बीमारी हो या कुछ और भी बीमारियां हो सकती है, जिसका स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताया था, इसके अलावा भी किसी तरह की बीमारी हो सकती है? नाखून में फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो बहुत कॉमन है, इसके अलावा नाखून के सोरियासिस और लाइकन पेनस, ये कुछ तरह के नाखून के एक्जिमा हैं जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में। तो ऐसा क्या किया जा सकता है नाखूनों में सबसे ज़्यादा जो ये समस्या हो रही है? एक हाउस वाइफ, एक इंसान कैसे समझ सकता है कि नाखूनों में जो इस तरीके की बीमारी हो रही है? नाखून में आप जितना ज़्यादा अगर आर्टिफिशियल नेल्स यूज़ करते हैं, तो उसके बाद अपने नाखून को अच्छी तरह से सफाई करें। नेल्स अगर थोड़ा भी गंदा रह जाता है या उसमें पानी वाटर के कुछ भी कण मौजूद रह जाते हैं, तो वो बार बार फंगस के लिए, अपने आप को इन्फेक्ट कराने के लिए आप उसको छोड़ते हैं। तो अपने नाखून को हमेशा रेगुलर क्लीन करें, नेल पॉलिश कुछ टाइम के लिए हटाना चाहिए, और बीच में नाखूनों के ग्रोथ के लिए उसे अच्छे से कटिंग करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया था कि हाउसवाइफ जो लगातार जो पानी के कांटेक्ट में आती हैं, वो खासकर क्या कर सकती हैं, और मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों के लिए कुछ बताएं जो हमेशा पानी में रहती हैं, किचन में उन लोगों का काम रहता है, पानी के संपर्क में ज़्यादा आती रहती, वो क्या कर सकती हैं? जिन लोगों का पानी में रेगुलर कांटेक्ट रहता है, उन्हें तो सबसे पहले हैबिट में सुधार लाना है। आप अपने किचन में ही पास में एक हैंड टॉवल रखें, जिससे जैसे ही पानी का काम खत्म हो, तुरंत हैंड टॉवल से हाथ को पोंछ लेना है, और अपने नाखूने को भी बिल्कुल ड्राई करना है। अगर आप नाखून को अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं, तो आपको कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि पानी को छूटना नहीं चाहिए, और पानी के काम के बाद आप हाथ को बिल्कुल सूखा कर लें और उसमें मॉइस्चराइज़र लगा लें। अगर इन सब के पता चलता है बीमारी हो रही है नाखून में, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ लोग बचाव इसमें किस तरीके से कर सकते हैं, और जैसे आपके पास आ रहे हैं तो इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या है? इसमें ट्रीटमेंट तो हम एंटी फंगल लंबे टाइम के लिए चलाते हैं। बचाव के लिए जिनको, पहले तो आप पानी का जितना कांटेक्ट कम कर सके उतना बेहतर है। ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी होती है कि उन्हें साइकोलॉजिकल लगता है कि हर कुछ गंदा है, और वो बार बार हाथ धोते हैं, तो ये एक्चुअली एक बीमारी होती है जिसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, जिसे ओसीडी कहते हैं। क्योंकि आप बार बार पानी छुएंगे, तो आपको कितना भी इन्फेक्शन ठीक हो जाए, वो बार बार रिपीट करेगा। तो ओसीडी अगर अंडरलाइंग कॉज है, तो उसको आपको ट्रीटमेंट लेना होगा और उस बीमारी को ठीक करना होगा। और इसके अलावा अगर जिनको कांटेक्ट नहीं कम कर सकते,
बहुत बार हैंड में आप ग्लव्स लगा सकते हैं, ग्लव्स पहन के बर्तन का काम करें, या जिन्हें बार बार नेल्स में इन्फेक्शन होता है, बलून लगा के भी, बलून को नीचे से बेस में रबर बैंड से पूरी तरह सील करके अपने नाखूनों को बचा सकते हैं जब भी आप पानी का काम कर रहे हैं। मैम, एक चीज़ हम लोग देखते हैं और आजकल फैशन भी है कि नेल को जो आर्ट किया जाता है, या फिर लोग बहुत बार बड़े बड़े नेल भी रखते हैं, लेकिन उन लोगों की एक शिकायत होती है कि नेल जो है बहुत जल्दी टूट जाता है, अगर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाता है, तो ये कारण क्या हो सकता है? कि जिनके भी लंबे नाखून होते हैं, बहुत बार ब्रिटल नेल की समस्या उनमें देखी जाती है। ब्रिटल नेल्स जनरली ये कुछ कमियों के कारण होता है। नाखून चूँकि हमारा कुछ चीज़ों से बना होता है, अगर हमारे बॉडी में कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी हो रही है तो नाखून बार बार टूटेंगे। तो जब भी आपको आपके नाखून बार बार टूट रहे हैं, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, वो आपके कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराएंगे और जो डेफिशिएंसी है जब तक उसको नहीं ठीक किया जाएगा नाखून टूटते रहते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर ऋचा ठाकुर को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर नेल है और नेल में किस किस तरीके की समस्या हो सकती है, इससे बचाव किस तरीके से कर सकते हैं और क्या लक्षण दिखाई देते हैं अगर किसी के जो नेल में समस्या हो रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।